हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट। रेलवे कांस्टेबल एसआई भर्ती 2018, एडमिट कार्ड जल्द जारी, इतने अंकों का होगा पेपर। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आरपीएफ कांस्टेबल के कैंडिडेट्स के लिए, और उनका एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। और कितने अंकों का पेपर होगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए इसमें कहा जा रहा है, रेलवे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 एडमिट कार्ड जल्द जारी हो रहे हैं। देखिए, आरआरबी रिक्रूटमेंट की ओर से निकाली गई 97 पदों की कांस्टेबल और इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा रहे हैं। इन पदों की भर्ती 7 CPCP पे मैट्रिक्स लेवल पर की जा रही है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की यह भर्ती रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ के लिए की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2018 रखी गई थी, जो कि फाइनल हो चुका है आप लोगों का। ये देखिए, अब कह रहा है कि एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवे वेब .gov.in पर जारी करने जा रहा है। देखिए, पद संख्या, पद एवं संख्या क्या है, कुल पद इसमें 97,139 पोस्ट थे, और कांस्टेबल के लिए कितना था, 8,619 पोस्ट है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 1,120 पोस्ट है, इतना पोस्ट रखा गया था। अब देखिए पे स्केल इसमें क्या है, 21,700 आप लोगों का पे स्केल कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 रुपया जो है पे स्केल रखा गया है। फिर देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट आरपीएफ एंड आरपीएसएफ तो एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड पहले तो टेस्ट होगा सीबीटी, उसके बाद फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी में विषय और उनके अंक जनरल अवेयरनेस से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। तो टोटल आपका जो होगा 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पेपर होगा आप लोगों का 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे में आप लोगों को 120 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस भर्ती में कांस्टेबल पदों के पेपर में 10वीं कक्षा का स्तर होगा, वहीं सब इंस्पेक्टर पदों के लिए पेपर जो होगा ग्रेजुएट लेवल होगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग देखिए 1.3 रखा गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका 1.3 आप लोगों का निगेटिव मार्क होगा। और इसका पेपर जो होगा वो 15 भाषाओं में आप लोग दे सकते हैं, जिसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा जो भी भाषा में आप लोग पेपर देना होगा। तो जो भी नए विजिटर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ। मैं पल पल भर की न्यूज़ आप लोगों को देता रहता हूँ।